ये नाइट क्रीम आपकी जो स्किन है उसको लाइट बनाने में, शाइनी बनाने में, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करेगी। 2 मिनट में तैयार होती है, बहुत इजी है और फटाफट से चलिए शुरू करते हैं और आप भी इसे घर पे ज़रूर यूज़ करके देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज हम एक ऐसा स्किन के लिए नाइट क्रीम बनाने वाले हैं जिसे आप रात में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है और इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी टाइट हो जाएगी, ब्राइटनिंग हो जाएगी और जितना भी डस्ट वगैरह होता है वो रिमूव करके अगर आपके पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर देगी। तो इसके लिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक क्रीम का इसको जो है टेक्सचर दे देगा ताकि हम इसे जब फेस पे अप्लाई करें तो ये पूरी रात उस पर रहे। और एलोवेरा जेल आप सभी को पता है कि स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो फटाफट से आप इसकी जो क्वांटिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और आप इसे 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच की क्वांटिटी एक एग्जाम्पल के लिए आपको बना के दिखा देते हैं और अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाल लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे जो एलोवेरा जेल है हम 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें इस टाइप से। आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितना सेव करके रखना है, कितना स्टोर करके रखना है उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 चम्मच ले लीजिए। यहाँ पे हमने 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है और आप चाहें तो पतंजलि का या किसी भी कंपनी का, नेचर्स का इस टाइप से आता है एलोवेरा जेल, और आप चाहें तो डायरेक्ट एलोवेरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलोवेरा जेल है उसे हमने ले लिया है, एक छोटा कंटेनर रखा है, हम लास्ट में जो नाइट क्रीम बनाएंगे उसे हम इसमें स्टोर कर लेंगे। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। इसमें हल्दी ऐसे 1/2 चम्मच या ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत चुटकी भर डालनी है, बहुत लाइट सी, क्योंकि हल्दी आपको पता है टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल होती है। हमारी स्किन पे, हमारे पोर्सेज में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनको फिनिश करने में जो हल्दी है वो काफ़ी हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने बहुत एक चुटकी बहुत लाइट सी हल्दी ले ली, आप देख सकते हैं इस टाइप से। और इसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो इसमें डाल लेते हैं, वो होगा विटामिन ई। यहाँ पे मैंने 2 विटामिन ई की गोली ली है, अगर आप क्वांटिटी डबल बनाते हैं तो आप 2 की जगह 4 ले लीजिएगा। 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 विटामिन ई है और चुटकी भर हल्दी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए विटामिन ई को डाल देते हैं। विटामिन ई आपकी स्किन और बालों के लिए हमेशा ही हेल्दी रहती है। इस टाइप से पूरा जो ये विटामिन ई है इसे इसमें बाउल में डाल दीजिए। आधा बाहर गिर गया, ये दूसरा वाला भी ओपन कर लिया है, हम इसे भी डाल लेंगे। 2 गोली काफ़ी है और रात में जब आप इसे अप्लाई करके सोएंगे नाइट क्रीम को तो आप देखेंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट को अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप किसी भी स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रीम जैसा बेस ना ले ले। तो आप इसे अच्छे से मिलाते रहिए। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, इसका जो टेक्स्चर है वो पूरा क्रीम जैसा हो जाएगा, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। हल्दी इसमें आपके जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उनको डेड करेगा, विटामिन ई आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में और स्किन को लाइटनिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा, इसी के साथ साथ जो एलोवेरा जेल है वो भी स्किन के लिए, सॉफ्टनेस के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो और बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, उसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है वो क्रीम की तरह हो गया है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और 2 हफ्ते तक ही आराम से चल जाएगा। और रोज़ रात में सोने से पहले फेस वॉश से अपना जो फेस है उसे क्लीन करके उसके बाद आप इसे क्रीम की तरह अप्लाई करेंगे। अब हम इसे किसी बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। चलिए पहले हम इसे स्टोर कर लेते हैं इसमें, कोई भी आप कांच का बाउल या प्लास्टिक का बाउल हो उसमें इसे रख लीजिए और इसे जब भी लगाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से किसी भी बाउल में, कंटेनर में आप इसे रख लीजिए। हल्दी में जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जितना भी छोटे छोटे पिंपल्स और ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपको मार्केट से वैसे और भी नाइट क्रीम मिल जाएंगी जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से, नेचुरल घर में होम रेमेडीज से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो स्किन के लिए हमेशा हेल्दी होती है। तो इस टाइप से अगर आप एक हेल्दी यूज़ चाहते हैं तो ये क्रीम काफ़ी बेनिफिशियल है, ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा और इसी के साथ साथ आपकी जो स्किन है उसे हेल्दी करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसको हमने पूरा इस कंटेनर में डाल लेना इस टाइप से। और ये रेडी हो गया है। ये जो क्वांटिटी है ये मेरी 2 हफ्ते चल जाएगी। आप इसे घर में बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा बनाना है, आप इसे बना के रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले आपको इसे अप्लाई करना है फेस पे और आप चाहें तो हाथों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि फेस पे किस टाइप से अप्लाई करना है। आप पूरा हल्के हाथों से पूरे फेस पे इसे लगा के इस टाइप से मसाज कर लीजिएगा थोड़ी देर तक।
और इसके बाद इसे आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं और सुबह आप किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लीजिए।